दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज और आज के इस वीडियो में मैं जो आपको सिखाने वाला हूं वो मैं आपको सिखाऊंगा लुकअप करने का तरीका, यानी वी लुकअप फॉर्मूला आज हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, यहां पे मैंने एक जगह डेटा लिया है, एक शीट है जहाँ पर डेटा है, कुछ एंट्रियाँ हैं और उसका वाउचर हमें यहाँ पर बनाना है। तो हम जैसे उसका वाउचर नंबर यहाँ पर डालें तो उसकी वाउचर की डिटेल आ जाए। और दूसरी बात, ये मैं आपको दो तीन तरीके से बताऊंगा। एक, नंबर वन कि हम नॉर्मल यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला लगाएंगे इस एरिया में। दूसरा, हम यहाँ पे इंटरसेक्ट के साथ VBA में कोडिंग करके लगाएंगे, और एक VBA में हम वी लुकअप का फार्मूला कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इनमें जो भी मैंने एंट्रियाँ की हैं इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ। आपने देखा कि यहाँ पर एक वाउचर नंबर है, यह है वाउचर नंबर। पहली बात तो लुकअप वैल्यू यानी वी लुकअप फॉर्मूले में, क्योंकि डेटा हमारा यहाँ पे है तो वी लुकअप फॉर्मूले में हमें यह पता होना चाहिए जो हमारा टेबल है कितने कॉलम है उसमें। इसमें हमने 6 कॉलम दिए हैं और 6 कॉलम में वर्टिकल लुकअप होता है। वी लुकअप का मतलब वर्टिकल लुकअप है, यानी लेफ्ट से लेके और ये इसी तरह से राइट को लुकअप करेगा। मान लीजिए हमने 3 नंबर को लुकअप किया तो वो नेक्स्ट ये 3 नंबर की जो रॉ है इसको लुकअप करेगा। इस वाले कॉलम में 3 नंबर कहाँ पर है, ऊपर से नीचे तक, और ये लेफ्ट से राइट तक आंसर देगा। तो ये तो हमारा हो गया लेफ्ट टू राइट लुकअप। अभी कई बार हमें इधर से इधर लुकअप करना पड़ता तो वी लुकअप इस्तेमाल नहीं कर सकते हम। वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे या तो इंडेक्स मैच करेंगे या फिर और फॉर्मूले हैं जो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल पहले मैं आपको बताता हूँ बेसिक वी लुकअप कैसे यूज़ करें। इसके लिए जैसे वाउचर नंबर तो हमारा सेम ही है, हमें यहाँ पे डेट लेनी है तो हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे तो इंसर्ट से आ जाएं या तो यहाँ से फॉर्मूला ले लें। कौन सा फॉर्मूला लगाना, हमने वी लुकअप लगाना। वी लुकअप फॉर्मूला हमने यहाँ से लगाना है, ये हमने फाइंड कर लिया, वी लुकअप आ गया। अब आप देखेंगे लुकअप वैल्यू, टेबल अरे, कॉलम इंडेक्स नंबर, रेंज लुकअप, सिर्फ 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर पूरा वी लुकअप आपका काम करता है। पहली चीज लुकअप अरे, यानी किस के तरीके से आप देखना चाहते हैं। जैसे हम देखना चाहते हैं कि जो हम वाउचर नंबर यहाँ पे डालें उस वाउचर नंबर का डेटा हमें मिल जाए। तो ये तो हो गया हमारा वाउचर नंबर जो है ये देखने का जरिया है, तरीका। टेबल अरे, अब टेबल कहाँ पर है जहाँ से हमें डेटा लेना है, तो डेटा के लिए हम डेटा में आ जाएंगे। चाहे तो हम ये पूरा ही टेबल ले लें क्योंकि इसमें बहुत सारे ए से लेके एफ तक नीचे जितना भी डेटा बढ़ता रहेगा उसके हिसाब से ले लेगा। या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो कि इतने ही एरिया का आपने लेना। आप हेडर भी ना लें तो डेटा ले लें, क्योंकि हेडर हमें कोई हेडर से कोई मतलब नहीं। तो ये हमने डेटा ले लिया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर क्योंकि पहला कॉलम वाउचर का है, दूसरा डेट का है, तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं 2 नंबर लिख लेते हैं। तो 2 में आप देखेंगे 2 नंबर हमने ले लिया। अब इसमें है रेंज लुकअप। इसमें आप देखेंगे रेंज लुकअप में इसमें एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में यहाँ पे हमें फॉल्स लेना है तो हम यहाँ पे या तो फॉल्स लिख देंगे या 0 लिख देंगे। बहरहाल ट्रू के लिए क्या होता है, ट्रू में ऐसा होता है जैसे हमारी लुकअप वैल्यू है 10, फिर 20 है, फिर 30 है, तो 10 और 20 के बीच वाले को वो जो है 10 में ही उसका आंसर देता है। चलिए फिलहाल इसको इतने ही करते हैं। तो आपने देखा ये हमारा वी लुकअप, ये फॉर्मूला पूरा यहाँ पे आ गया। तो आपने देखा यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाया। अब देखें इसमें अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ वाउचर नंबर को, तो इसने NA वाला एरर दे दिया, यानी नॉट एप्लीकेबल। अगर इस एरर को आप चाह रहे हैं कि ये ना दिखाई दे तो उसके लिए हम यहाँ पे इफ फॉर्मूला लगा लेते हैं। इफ एरर लास्ट में आ जाएंगे, जो भी वैल्यू है अगर इस वैल्यू में एरर है तो क्या आए आंसर, या तो 0 ले लो। अब 0 के लिए यह है कुछ कंडीशन में 0 आपका दिखेगा वो, इसलिए हम ब्लैंक कर लेते हैं 2 बार इन्वर्टेड को। अब आपने ये देखा कि ये हमारा दूसरा है, देखो ये हमने क्रम वाइज लिया है, पहले डेट, फिर पार्टिकुलर, पेमेंट वगैरह। तो ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पाँचवा, ये छठा। तो हमने इसको करना यह है, इसको ही कॉपी कर लेना है
और यहाँ पे लाके आप पेस्ट करेंगे, और यहाँ से हम इसका जो है कॉलम नंबर 3 कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम जैसे 1 डालेंगे तो आप देखेंगे वो नाम आ गया, ये आपका हो गया 4 नंबर, और इसी तरह से यहाँ पे हो गया आपका 5 नंबर, और ये हो गया हमारा 6 नंबर। तो आपने देखा ये हमारा फॉर्मूला लग गया यहाँ पे वी लुकअप का, जो नॉर्मल वी लुकअप है। अभी एक इसमें फॉर्मूला हम ऐसे भी लगाते हैं, जैसे फिलहाल मैं इसको कर देते हैं हम डिलीट, तो ये फॉर्मूला आपका इस तरह से लग गया। हम अगर VBA में लगाएं तो कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बटन बना लेंगे, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बटन में क्लिक करना पड़ेगा, इसमें राइट क्लिक करके आप असाइन मैक्रो में आ जाएं और न्यू मैक्रो एक बना लें। अब इसमें आपको सबसे पहली बात कि हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा हर एक उसके लिए, जैसे यह हमारा K10, आपने देखा इस जगह का नाम है K10, तो हम क्या करेंगे, अब हमने शीट कौन सी है, शीट है हमारी वाउचर वाली 2, शीट 2 की रेंज K10 डॉट वैल्यू बराबर। अब हम यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसमें आप आगे चलते हैं थोड़ा बी लुकअप। अब इसमें सबसे पहले पूछेगा लुकअप वैल्यू, अभी इसमें लुकअप वैल्यू फिलहाल मैं आपको इसमें और भी बताऊंगा, लुकअप वैल्यू हो जाएगी हमारी O4, तो हम यहाँ पे ले लेंगे शीट 2 की रेंज O4। अब इसके बाद टेबल पूछता है हमारा, तो वो है टेबल हमारा शीट 1, क्योंकि आप देखेंगे ये डेटा जो है शीट 1 है, A4 से लेकर और ये हमारा F10 तक ले लेते हैं। A4 से लेकर F10 तक कोमा 2, 2 यानी दूसरा कॉलम, कोमा फॉल्स। अब हम चलते हैं वाउचर, यहाँ पे हमने वाउचर नंबर 1 लिखा तो आपने देखा वो आंसर आ गया, अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं 2 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम कुछ भी लिखते हैं, अब 14 लिखेंगे हम तो वो वहाँ पे एरर दे देगा क्योंकि 14 नंबर है नहीं, तो हम यहीं पे क्या करेंगे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, यानी कोई एरर आने पे वो नेक्स्ट चल जाए। तो ये 4 नंबर, तो ये हमारा आ गया, इसमें देखेंगे आप ज़्यादातर हमारे ये आ गया। अब K10 के बाद है ये हमारा E12, तो अब ये ही जो लाइन है इसको पूरे को कॉपी कर लेंगे, E12 यहाँ पे कर लेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे हम तीसरा कॉलम, तो ये E12 के लिए हो गया, और इसके बाद है आपका G14, फोर नंबर कॉलम हो गया। अब आप देखेंगे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ये सब चीज़ लिखी हुई आ जाएगी, E16 और E18। E16 और आपका E18, बस इसमें आपने यहाँ 4 नंबर की जगह 5 कर लिया और यहाँ पे 6 कर लिया। तो एक तो तरीका हो गया हमारा, जैसे मैंने आपको अभी तक बताया एक हमने यहीं पे फॉर्मूला लगाया था, लेकिन उसमें क्या है, मान लीजिए किसी ने यहाँ से डिलीट कर दिया तो वो फॉर्मूला फिर गड़बड़ हो जाता। इसमें वी लुकअप यानी कि VBA वाले में ऐसा नहीं है, अगर आप यहाँ से इन सबको डिलीट भी कर दोगे तो भी वो आंसर जैसे क्लिक करेंगे आप वो देगा।
अगर हम इसमें इंडेक्स मैच का इस्तेमाल करें या वी लुकअप का इस्तेमाल करें और हमें यहाँ पे क्लिक भी ना करना पड़े, सिर्फ यहाँ पे लिखने से ही वो आंसर आ जाए, तो उसमें क्या करेंगे हम, इस सेल का नाम है O4, अब हम इसी में राइट क्लिक करेंगे, व्यू कोड में आ जाएंगे, तो ये हमारा जो होगा इसके अंदर जो हमारी शीट है उसके अंदर आ जाएंगे हम, वर्कशीट सेलेक्शन चेंज, इसमें हमने आएंगे चेंज में आ जाएंगे। अभी हमने चेंज में हम आ गए, हमने यहाँ लिख दिया इफ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट शीट टू की रेंज, जो हमारी रेंज है O4, ये O4 रेंज जो है यहाँ पे जब चेंज हो तो इसमें क्या होगा, दोबारा लिखते हैं इफ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट शीट टू की रेंज O4 इज नथिंग देन, यानी शीट जो टू है उसकी O4 में जब चेंज हो, तो हम चाह रहे हैं जब हम यहाँ पे चेंज करें तो यहाँ पे साथ ही अभी ये ब्लॉक इफ एंड इफ, यहाँ पे हमने एंड इफ का भी इस्तेमाल करना है। चलो तो ये हमने यहाँ पे ले लिया, अब हमारा जो मॉड्यूल में जैसे कोड था इस कोड को हम पूरे को यहाँ से ही कॉपी कर लें और यहाँ पे पेस्ट कर लें, उससे क्या होगा जैसे फिलहाल हम यहाँ कहीं पे भी चेंज करें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम अगर चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें वहाँ पे कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं, अब हम एक चीज़ और इसमें चाह रहे हैं कि ये जैसे मान लीजिए हमने 55 लिख दिया तो 55 पे वो आंसर ये वाला सब ख़त्म कर दे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये दोनों जगह हम कर देंगे, इससे पहले भी और शीट टू की रेंज K10 बराबर कुछ नहीं और यही हम K10 E12 14 18 इसके बाद दूसरा है E12 G14 E16 E18 तो इसमें क्या होगा जैसे हम यहाँ पे 55 लिखा हो ख़त्म हो गया, मन लिखेंगे वो आ जाएगा। तो आपने देखा इस तरह से हम वी लुकअप फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं जो VBA में भी और नॉर्मल भी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक ही इस वीडियो को प्रमोट करेगा और आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारे अगले वीडियो या आने वाले वीडियो को भी मिस नहीं करेंगे।